पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अयोध्या प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के संभावित निर्णय को लेकर पुलिस प्रबंधनों और संसाधनों की समीक्षा के लिए एडीजी जोन बरेली अविनाश चंद्र मुरादाबाद पहुंचे और शहर का जायजा लिया। साथ ही जिले में पुलिस के पास मौजूद संसाधनों के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान सभी वर्गों के लोगों के साथ बैठक कर निर्णय आने के बाद शांति की अपील की गई, तो शहर में एक पैदल मार्च भी निकाला गया। मौजूदा समय में कानून व्यवस्था की चुनौतियों के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लिया। अयोध्या प्रकरण में आने जा रहे संभावित निर्णय के परिपेक्ष में पुलिस द्वारा की गई तैयारियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को सक्रिय कर अभी से पूरे माहौल पर पैनी नजर रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। हर छोटी से छोटी गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए, साथ ही सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए खास निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक संदेश सोशल साइट पर दिखने पर पुलिस को तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। गांव से लेकर शहर की गलियों तक सुरक्षा का पूरा जाल बिछाकर कार्य करने के लिए कहा गया है। साथ ही बताया गया कि इसके लिए अस्थायी जेल भी बनाई जाएगी, जिससे कि अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। मिश्रित आबादी वाले और संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में एडीजी ने विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान एक पैदल मार्च भी निकाला गया और लोगों से बातचीत भी की गई। इसमें 12 आफात निकट भविष्य में है 9 और 10 को, उसकी तैयारियों को रिव्यू किया गया है और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विषय में जो निर्णय आना है संभावित है निकट भविष्य में, उसमें जो ऊपर शासन से डीजीपी निदेशालय से निर्देश आए हुए हैं उसके कंप्लायंस की स्थिति हमने रिव्यू किया है और सब चीज़ें एज पर आवर प्लानिंग चल रही हैं और मुझे आशा है, नहीं पूरा विश्वास है कि हम लोग स्मूथली सब चीज़ों को अटेंड कर लेंगे। जो हमारी रॉयल्टी की स्कीम्स हैं, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम है, उसको हमने अपडेट किया है और उसके आधार पे सेक्टर्स और जोन्स हमारे बांटे जाते हैं, तो उसके आधार पे हम लोग मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स लगाते हैं, उसको अपडेट किया जा रहा है। और जो पूर्व में यहाँ घटनाएँ हुई हैं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की 80 से लेकर के अब तक, उन केसेस को भी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है और उनके ऊपर हम लोग की पूरी पैनी नज़र है। मुरादाबाद नहीं बनाई जाएगी, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम ही बनाया जाएगा, अस्थायी जेल ही बनाई जाएगी और सोशल मीडिया पे विशेष तौर पर निगाह रखी जाएगी कि इससे कोई अफवाह ना फैला सके। हाँ, अब ये पब्लिक मीटिंग करेंगे, उसके बाद एक फुट पेट्रोलिंग भी करेंगे और उसमें लोगों से संपर्क करेंगे।